जी हाँ, हम यहाँ हैं भाभी जी यहाँ या, बैठ कर आप समोसा खा रहे हैं बहुत भूख लगी थी लेकिन आप मुझे क्यों ढूंढ रही हैं? देखिए प्रेम जी हम आपको ई बोलने आए हैं कि पानी अब सर के बहुत बहुत ऊपर जा चुका है वहाँ भरपति जी का हालत बहुत खराब हो रहा है हम अब और चुप ना ही रह सकते हैं प्लीज भाभी जी थोड़े दिन और रुक जाइए हाँ। कैसे कैसे रुक आपको अंदाज़ा भी है कि हमको कितना उल्टी फिलवा हो रहा है बाबी जी आप शायद गिल्टी कहना चाहती है ऐसे हाँ हाँ। ही पकड़े हैं आपको पता है हमको कितना आत्मग्लानी हो रहा है वहाँ कितना हालत खराब है भरभुती जी का लेकिन भाभी जी आपने राज की बात खोल दी तो मेरी हालत बहुत खराब हो जाएगी और लोग मेरी नोच लेंगे आपको शायद पता नहीं है लोग मुझे सड़कों पे दौड़ा दौड़ा कर मारेंगे आप चाहती हो मैं बेमौत मारा जाऊं और मेरे बीवी बच्चे जो है वो सड़कों पर आकर भीग मांगे दिया हम ऐसा कहा जाएंगे तो भाभी जी आपको उस कच्चे बनियान के खून के एक एक कतरे की कसम है आप कुछ मत कहिए हाँ का है? का है? बार बार हमको लट् के भैया को कसम देते हैं पूरा एपिसोड देखिए Z5 पर कॉफी हॉट से कोल्ड हो गई है चलो पियो चल इस कॉफी में जहर मिला दो मैं <laughs> अपने दोस्त के पास जाना चाहता हूँ प्रेम I'm coming to you. अरे कैसी बेवकूफों वाली बातें कर रहे हो? अगर तुम्हारी दोस्त मेरे टाइम बोली होती, तो क्या तुम ऐसा बिहेव नहीं करती? मुझे बता। क्यों ये बेफुजूल की बातें कर रहे हो विभू? <laughs> अच्छा सुनो, सुनो मेरी बात। तुम्हारा जो दोस्त है ना प्रेम, वो मरा नहीं है, जिंदा है, जिंदा। ये <laughs> क्या मजाक कर रही हो तुम? ये कैसा भद्दा मजाक कर रही हो तुम मेरे साथ? Why you doing this to me? नहीं नहीं विपू no. विभू सच में सच में मजाक रही हूँ सच बोल रही हूँ यकीन नहीं होता हाँ अबे विभूति है नमस्ते भाभी जी नमस्ते नमस्ते और बताइए प्रेम क्या चल रहा है भाभी जी मेरे तो दो चार शराब के ठेके चल रहे हैं दो चार जुए के अड्डे चल रहे हैं लेकिन इस नल्ले का तो कुछ भी नहीं चल रहा है <laughs> नल्ले कुछ तो कर ले कब तक भाभी जी के टुकड़ों पर यूं पलता रहेगा भाभी जी क्यों इस नल्ले को मुफ्त की रोटियां तोड़ने के लिए बाल रखा है निकाल बाहर कीजिए इसे हा देखा मैं प्रेम हूँ तिवारी हूँ तिवारी अरे तिवारी के बच्चे हाँ मेरे दोस्त प्रेम की नकल करता है और तो कोई शर्म नहीं आती आज मैं तेरी ऐसी हालत बनाऊंगा कि तू अपनी नकल भी नहीं कर पाएगा चल पापा मुझे डोंट नो मी अरे डोंट नो मी यू डोंट डोंट डू दैट नो अरे क्या do no. करना है करो अरे भाभी जी एवन क्वालिटी के का बात हो गई बड़े मतलब है खुश होके एक दूसरे को मिठाइया खिला रहे हो बाप बन गए का बाप भी बन जाएंगे दरोगा जी देखो हेलो तुम वो मीठा करो आ आ पकड़ हां लोंडो हां तुमने तो सारे भाई सांस हटका दे जो बताओ जा कौन कौन खोजी में इतनी गुस्से में मिठाई खिलाई जा रही है हमें ए दरोगा जी दरअसल बात यह है कि हमारे एक साथी थे, जिसका हाँ। नाम था टीका और वो सारो धीक बहुत बड़ी थो। और अंदर की बात यह है कि टीका बोल गया है हाँ। इस खुशी में मिठाई खिला रहे <laughs> कैसी के, कर रही लोनो मतलब टीका टैबोलगा हुआ जब खुशी में मिठाई खिला रहे मतलब तुम खुश हो कसम से कह रही हो हम तो जिंदगी में कभी इतने खुश ना हुए जितना अब हुए तमबकत गेंडे की शक्ल और अकल का मालिक था हम ठेरे इंसान बस कसम से कह रही हूँ हम तो उसे ढो रहे थे बस जब मेरा दोस्त ही नहीं रहा तो मैं जी के क्या करूंगा प्रेम मैं तेरे पास आ रहा हूं आपका कब

वो इसका मतलब है कि तुम्हारी जिंदगी में मेरी कोई वैल्यू नहीं है तुम्हारी वैल्यू है नो लेकिन दो साल दोस्त होता है उसकी जगह ना तो बीवी ले सकती है और ना ही गर्लफ्रेंड प्लीज तुम प्लीज इस सदमे के दलदल से निकलने की कोशिश करो देखो मैं तुम्हारे साथ हूँ सदमे से कैसे बाहर निकलूं कैसे बाहर निकलू। <laughs> <laughs> परे मेरा पीछे ही नहीं छोड़ता वो देखो भाभी जी की बालकनी में खड़ा मुझे देख रहा है जस्ट जस्ट लुक जस्ट जस्ट लुक एट है प्रेम <laughs> कहीं नहीं है तुम्हें कहां दिख रहा है प्रेम विपू मुझे वहीं दिख रहा था प्रेम खड़ा था प्रेम ही, बस और नहीं है वहां पर संभालो अपने आप को अदू मेरी इच्छा है कैसी इच्छा मुझे एक पार्टी करनी है पार्टी पार्टी किस खुशी में खुशी नहीं गम सेलिब्रेट करने के लिए पार्टी करना चाहता हूँ <laughs> और मुझे लगता है कि मुझे अच्छा लगेगा आई फील नाइस ठीक है विभू अगर पार्टी करने से तुम्हें अच्छा लगेगा और तुम्हें खुशी मिलेगी तो मैं एक शानदार पार्टी अरेंज करूंगी बहुत बड़ी बहुत अच्छी ठीक हो जाओ विभू प्लीज अरे यार मेरे पार्टनर कम्बक ने इस वक्त क्यों फोन किया मुझे लगता है कहीं पकड़ा गया होगा हेलो आज है ना मेरे पति घर पर हाँ। अरे चुप कर औरतों की आवाज में बात करने की कोई जरूरत नहीं है तेरी आवाज को मैं अच्छे से पहचानता हूँ समझे कि नहीं समझे बोल 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 चमन लाल तूने किस लिए फोन किया है हा? एक गुड न्यूज देने के लिए फोन किया है क्या गुड न्यूज है गुड न्यूज ये है जो पब्लिक का पैसा हमने शेयर मार्केट में लगाया था ना उसमें से कई कंपनियों के शेयर डूब गए लेकिन दो कंपनियों के शेयर में जबरदस्त उछाल आया है कितना उछाल आया है इतना उछाल आया है इतना उछाल आया है कि यदि हम पब्लिक को उनका दुगना पैसा वापस कर देंगे फिर भी हमारे पास एक एक करोड़ रुपए बचेगा एक एक करोड़ रुपए <laughs> अरे क्या बात कर रहा है यार मैं तेरे पास अभी आ रहा हूं वाह ऊपर वाले वाह आज तो तूने कमाल ही कर दिया ऊपर हाँ। <laughs> वाले तेरा जवाब नहीं कब दे क्या दे हिसाब नहीं <laughs> अभी वो विभूति है प्रेम? तुम ये, प्रेम नहीं है प्रेम की आत्मा है। जो मेरे आसपास, मेरे इर्द गिर्द रहती। ओ, मैं कोई आत्मा वात्मा नहीं हूँ ये तो मैंने लोगों से बचने के लिए मरने का नाटक किया था हा? तू मुझसे झूठ बोल रहा है अबे हो मैं कोई भूत भूत नहीं हूँ <laughs> तू सिंधा है अल्लू हाँ बे अल्लू मेरा प्रेम सिंधा है तू सिंधा है प्रेम तुझे जरा से ख्याल नहीं आया कि तेरे बगैर मैं कैसे रहूंगा क्या करूंगा अयु <laughs> ना अयु ना अबे मेरे यार विभूति है मेरे दोस्त कर <laughs> <तुछे माँग करने। laughs> को गाय भी नहीं दिख रहा है हम कहा पूछ रहे हैं कि तुम्हारी छठ की पूजा का तैयारी कैसा चल रहा है हाँ हाँ हमरा भी अच्छा ही चल रहा है आ, हम का बोल रहे हैं ओ, ओ गाय के गोबर कहीं से मिला तुमको का? तुम्हारे इलाके में भी ना ही मिला का भूरी और यही तो यही प्रॉब्लम है कहा कि सुबह छह बजे पूरी कॉलोनी का चक्कर मार लिए हैं कहीं गाय का गोबर ही ना ही मिल रहा है हमको और देखो ना छठ का पूजा तो अधूरा रह जाएगा ना ही तो वो चौक लीपना है ना उसके लिए हाँ तो हम कहा बोल रहे हैं कि अगर तुम्हारे इलाके में कहीं से जुगाड़ हो तो हमको कॉल कर देना हाँ ठीक बा हाँ हाँ फिर साथ में पूजा करते हैं हाँ भाई 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 ये गाय रह गया गुड मॉर्निंग भाभी जी हाँ गुड मॉर्निंग भरभूति जी भाभी जी क्या बात है आपकी पेशानी पर परेशानी के छींटे पड़े हुए हैं हाँ भरभूति जी तानसेन में तो है कहा है कि छठ का पूजा है ना और छठ की पूजा के लिए ना हमको गाय के गोबर का जरूरत है पूरा कॉलोनी छान मारे हैं सुबह सुबह कहीं मिला ही नहीं भाभी जी इस कॉलोनी में नहीं है तो क्या हुआ हम बाहर से ले आएंगे और लेकिन हम बाहर कैसे जाएंगे भाभी जी कौन कम वक़्त क्या रहा कि आप बाहर जाएंगे भाभी जी आपको लगता है लडू के भैया जाएंगे नहीं भाभी जी हम जाएंगे आप लेकर आएंगे हमरे ले लिए गोबर भाभी जी व्हाई नॉट जब बिनू लैला के लिए सेहरा की खाक छान सकता है फराज़ शिरी के लिए पहाड़ों का सीना चीर कर उसमें से नदी निकाल सकता है भाभी जी ये कमबख्त आशिक मतलब का, कानाई गेट सम सम काउडंग कम ऑन गिव मी अ ब्रेक आई वुड लव टू गेट सम अका बोली हमने कहा भाभी जी हम लेके आएंगे आपके लिए गाय का गोबर और आप उसे लेपेंगी भी लड्डू के भैया के मुंह पे बोली भाभी जी मैं लेके आऊंगा गोबर आपके लिए आप ले आएंगे ना भाभी जी घर पर है जी। अरे तिवारी जी, जी। आइए आइए बैठे ना जी, जी।, जी कहिए भाभी जी हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं आपका फोन आया तो हम एकदम विचलित से हो गए अरे अरे विचलित क्यों हो गए वो भाभी जी क्या आपने कहा ना कि आप हमसे कुछ बात करना चाह रही हैं तो <laughs> अच्छा तो आप इसलिए विचलित हो गए क्योंकि मुझे आपसे कोई जरूरी बात करनी है <laughs> तिवारी जी रिलैक्स दरअसल बात ये थी कि मैं ना आपसे कुछ मांगना चाह रही थी अरे भाभी जी चीज क्या चीज है हम आपके चांद तारे तक तोड़ लाए <laughs> <गे। coughs> आपको कभी कभी ऐसा नहीं लगता कि आप कुछ ज्यादा ही बोल जाते हैं मान लीजिए कि मैं आपसे कहूं कि मुझे चांद तारे चाहिए तो आप ना अपनी बगले झांकने लग जाएंगे नहीं नहीं भाभी जी ऐसी बात नहीं है आ, क्या कि आ, आ, आप कहिए क्या चीज लानी हम तुरंत हाजिर कर देंगे अच्छा तो मुझे ना गाय का गोबर चाहिए कि, किसके लिए? मुझे चेहरे पे लगाना है कि, किसके चेहरे पे आपके हमारे इन... चेहरे पे डर गए आप अरे बाबा मजाक कर रही हूँ <laughs> दरअसल मुझे ना गाय का गोबर स्किन ट्रीटमेंट के लिए चाहिए म, म, मतलब आप अपने चेहरे पर गोबर लगाएंगी तिवारी जी कैसी अजीब बातें कर रहे हैं <laughs> दरअसल बात यह है तिवारी जी कि मेरी ना एक ब्यूटीशियन है उसका नाम है नाराज हुसैन और उसने मुझसे कहा है कि हल्दी चंदन उबटन इसके लेप में अगर जरा सा गाय का गोबर डाल दिया जाए और उसे अगर अपने चेहरे पे लगाया जाए तो चेहरे पे ना ग्लो आ जाएगा ग्लो ग्लोते तो आप नहीं ला पाएंगे I like it. <laughs> <laughs> अरे तिवारी भैया आप क्या आपके फरिश्ते भी गोबर नहीं ला पाएंगे क्या बकवास कर रहे हैं आप सक्सेना जी आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं अरे भाभी माँ आज पूरे कानपुर को छठ पूजा की वजह से गोबर की जरूरत पड़ गई है तो तो ये भाभी माँ के कानपुर में अपने गाय माता बची का है सारी की सारी गाय माताएं तो जंगल चली गई हैं क्योंकि उनका कोई ख्याल नहीं रखता है अब जब गाय माता ही नहीं है भाभी माँ तो गोबर कहाँ से आएगा तो, फिर तो मेरा स्किन ट्रीटमेंट भी रह जाएगा मेरा गोबर भी नहीं आ पाएगा अरे भाभी जी आप तो चिंता कर रही है हम है ना हम कहीं से भी आपके लिए गाय का गोबर लेकर आएंगे चाहे हमारी जान का ना चली जाए। I like it. <laughs> तो जी फिलहाल आपके प्राण से ज़्यादा कीमती मुझे गोबर नजर आ रहा है तो ठीक है भाभी जी हम आपके लिए गोबर लेकर आते हैं एक जगह है जहां से हमें पता है कि गोबर मिलेगा <laughs> आपके जान से ज्यादा कीमती है ये गोबर आई लाइक इट या यार जल्दी सही यार अई है मलखान मेरी जान हाँ। पालक का साग तैयार तो हो गया जालिम तेरी जान कसम यार तूने तो मोके अंदर का ना पंजाब जगा दो यार सही कह रहे है यार मैं भी कम से कम दस साल के बाद पालक का साग खाऊंगा अरे क्या बात कर रहा है यार भैया मोके भी ना लगभग इतने साल हैगा यार आह। आह। यार अबे लौंडो अबे या लौंडे ने ना बड़े कमाल की डिश बनाई है गई तो कौन मांस बनाई है क्या मैं दिमाग सेट ही आ गया तुम्हारा <laughs> दे दे फाड़ के देखो <laughs> ये मांस नजर आ रही है तुम्हें ओहो पालक का साग माय फेवरेट सेठ ये कसम से कह रही हूं ऐसा पालक का साग बनाया कि उंगलियां चाटते रह जाओगे <laughs> ए, सुनो बेटे

जब तुम्हारी कोशिश से कुछ ना हुआ तो हम क्या भुंया उखाड़ेंगे हाँ <laughs> यार सही कर जालिम मिनट भैया जी अब साहब की गैया भी तो आ गई अरे यार वो बेकार है वो क्या कि उसको है कब्ज है। हमारे लिए बेकार तो सॉरी सेठ जी अब इस मामले में हम दोनों आपकी कोई मदद ना कर सकें अंगूरी जी हेलो तिवारी जी आइए आइए भाभी जी आइए 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 तशरीफ रखिए हेलो अनीता जी बैठिए वाह भाभी जी क्या बात है आपके ऐसे शुभ कदम पड़े कि हमें तीन करोड़ का ऑर्डर मिला भाभी जी।, जी, जी तीन करोड़ का ऑर्डर भाभी जी तीन करोड़ का ऑर्डर मिला हमें एक लाख कच्चे बनियान का ऑर्डर जो है वो छह महीने में पूरा करना है हाँ। छह महीने में एक लाख कच्चे बनाना तिवारी जी ये तो बहुत मुश्किल काम है जी भाभी जी मुश्किल काम तो है इसीलिए हम सोच रहे हैं कि किस फैक्ट्री से डील करें हम्म तिवारी जी आप अपने पुराने मैन्युफैक्चरर्स से क्यों नहीं कांटेक्ट करते नहीं भाभी जी मैन्युफैक्चरर्स से बात कर तो ले, लेकिन क्या है कि सबके सब चिंदी चोर है ना ऑर्डर मतलब काम पूरा करते ना करने देते हैं तिवारी जी अपनी खुद की फैक्ट्री खोल लीजिए ये तो बहुत अच्छा ऑडियो है। अंगूरी जी आप आप कहना चाह रही हैं। पकड़े है। तो है नहीं भाभी तो खोलने के लिए फाइनेंस की होती है ना और फांस है नहीं मतलब फा भाई ये पाँच करोड़ रुपया मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है मैं इन्वेस्ट कर दूंगा लेकिन ये बता मुझे क्या मुनाफा मिलेगा प्यासे के पास खुद कुआं चलकर आ गया आ गया आपका फाइनेंसर हाँ हाँ ठीक है ठीक है मैं तुझे सोचने के लिए दो दिन का मौका देता हूँ हाँ हेलो अंगूरी भाभी जी हेलो भाभी जी प्रेम जी अरे कच्चा बनियान सुनना मुझे तुझसे एक फेवर चाहिए आ, के, के, क्या, क्या अरे यार वो तेरा क्लाइंट है ना क्या नाम है उसका हाँ गुप्ता जी यार उसके पास एक विदेशी कुत्ता है और वो कुत्ता मेरी बीवी को पसंद आ गया है तो जरा पूछ के बता देना कि वो विदेशी कुत्ता कहाँ से लाया था यार मेरी बीवी ने जिद पकड़ ली है कि उसे वो कुत्ता चाहिए प्लीज मेरा ये काम कर देना फिर तू तो जानता है मेरे पास बहुत पैसे है हाँ <laughs> <laughs> क्या है ना फ्रेंड देख ये काम तो बहुत छोटा है लेकिन तुझे भी हमारा एक काम करना पड़ेगा हाँ हाँ बोलना ए, क्या है कि हमें जो है वो ए, एक लाख कच्चे बनियान के पीसेस का तीन करोड़ का ऑर्डर मिला है अरे यार ये तो बहुत बड़ा ऑर्डर है हाँ। और इसीलिए तिवारी जी अपनी खुद की फैक्ट्री खोलना चाहते हैं जिसके लिए उनको एक फाइनेंस की जरूरत है हाँ। पकड़े हैं हाँ। तो मैं चाह रहा था की अगर तुम हमारे साथ मतलब हमें फाइनेंस करते तो हम बराबर के पार्टनर हो जाएंगे क्या है ना कच्चा बनियान पार्टनर तो मैं तेरा बन जाऊ लेकिन तू भी अंगूठा छाप है और मैं भी अंगूठा छाप हूं हाँ। म, म, मतलब समझे नहीं कुछ मतलब यह है कि इतनी बड़ी कंपनी को चलाने के लिए किसी पढ़े लिखे काबिल आदमी की जरूरत पड़ेगी क्योंकि अगर ये मैनेजमेंट ठीक नहीं हुआ तो हम उसका ऑर्डर कैसे पूरा कर पाएंगे मैनेजमेंट भाभी जी संभालेंगी

जी लेकिन आप समझ नहीं रहे मेरी ग्रूमिंग हैं और... भाभी जी ग्रूमिंग क्लासेस भी साथ साथ चलती रहेंगी आप क्यों चिंता कर हैं आपको कुछ नहीं करना है सिर्फ ऐसे चक्कर मार के जाना है बाकी सब हम संभाल लेंगे हाँ बोल दीजिए अनिता जी चलिए तिवारी जी ओके डन <laughs> आ, इसी बात पर आप सबका मुंह मीठा करते हैं हा? लाओ बगली मिठाई लाओ क्या देख भैया भैया बोल बे भैया 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 लगा रखा भैया तुम्हें पता है, क्या, है? क्या पता है क्या पता है भैया यही कि ये टिल्लू मलखान और मैं हम तीनों ने 25 कंपनियों में नौकरी के लिए अप्लाई करवाया तो और हर जगह तुम्हें घुया हाथ लगी होंगी इसमें तो कोई शक ना है अब भैया एक बात बताओ हम का पूरी जिंदगी ऐसे ही बेरोजगार रहेंगे तुम तीनों को देख के आसार तो ये लग रहे हैं कि तुम तीनों जिंदगी भर बेरोजगार रहने वाले हो वॉट द हेल्थ ये क्या बोल रहे भैया मैं नहीं बोल रहा भैया मैं नहीं बोल रहा हूँ तुम लोगों की तकदीर की लकीरें बोल रही है मैं नहीं बोल रहा हूँ पैसे तो तकदीर की लकीरें तुम्हारी भी ऐसे ही कुछ बोल रही है सेठ जी शराब शराब अपने आप को मुझसे कंपेयर मत करो समझे ना तुम गवार और मैं एक पढ़ा लिखा वेल एजुकेटेड एम अ टॉपर फ्रॉम छपरा यूनिवर्सिटी ऑलराइट मेरे पास डिग्री है डिप्लोमा है एजुकेशन है तुम्हारे पास क्या है That's right. तुम्हारे पास गुईया है तो भैया इतनी सारी जो डिग्रियां अचार डाल भी नहीं रखी है क्या आपने अभी तक बेरोजगार क्यों बैठे हो बिकॉज छोटी मोटी जॉब मुझे पसंद नहीं है <laughs> मैं सिर्फ बना हु बड़ी जॉब के लिए किसी कंपनी का एमडी हो सकता हूं सीईओ हो सकता हूं प्रेसिडेंट हो सकता हूं वर्ष वर्स सिचुएशन में वाइस प्रेसिडेंट हो सकता हूं nothing less than that wakil lelo wakil wakil lelo wakil lelo wakil lelo wakil lelo wakil lelo b a l l b wakil lelo madam b a l l b ज़हीन और तरीन सबसे ज्यादा सुलझा हुआ वकील ले लो जेठ मलानी जैसे तेवर पालकी वाला जैसा दिमाग तलवार की धार से भी ज्यादा तेज और सटीक दलीलें देने में माहिर अदालत में अगर दहाड़ दे तो विरोधी वकील के गुर्दे गीले हो जाएं वकील ले लो ले लो ले लो वकील ले लो हो <laughs> गया हमें किसी वकील की जरूरत नहीं है प्लीज कुर्सी भैया पता नहीं क्यों आप लोगों के थोड़े देख कर मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत जल्दी आपको वकील की जरूरत पड़ेगी हाँ। तो पगलेट भैया आप अपनी वकील की दुकान यहाँ से उठाओ ले जाओ वैसे हमारे रोजगार के लाले पड़े हुए हैं यहाँ पर अरे हाँ इन बातों को छोड़ो सक्सेना जी जे बताओ अगर कोई बड़ी ऐसी जॉब हो वो वो तो बता दो सक्सेना भैया ए, मैं तो छोटी सी, <laughs> यू, यू, तो सी, सी यूनिट है लेकिन अगर बड़ा ऑर्डर मिलेगा ना तो फिर बड़ी फैक्ट्री डालेंगे हाँ नहीं देखना प्रेम चौधरी को हमने इसीलिए इन्वॉल्व कर लिया क्योंकि तीन पार्टनर्स होंगे तो ज्यादा इन्वेस्टमेंट हो जाएगी और अगर थोड़ा बहुत नुकसान होगा तो फर्क भी नहीं पड़ेगा अब एक वैसे भी पैसे तो तिवारी जी और प्रेम चौधरी के ही लगे हाँ मैं तो सिर्फ क्रिएटिव पार्टनर हूँ मतलब जैसे कि मार्केटिंग स्ट्रेटजी एडवरटाइजिंग वर्कर्स को हैंडल करना बस मुझे तो यही सब करना है फिंगर्स <laughs> क्रॉस देखते हैं कि बैठता है। हाँ। चल ओके बाय थैंक्स ऐसे क्या देख रहे हो तिवारी जी और प्रेम के साथ मिलकर कंपनी खोल रही हो और मुझे इस बात की भनक तक नहीं है अरे अरे मैं तुम्हें बताने ही वाली थी वो अचानक ही ये सब कुछ हो गया अचानक सब कुछ हो गया नो प्लानिंग नथिंग नहीं सच में कोई प्लानिंग ही नहीं थी दरअसल हुआ क्या तिवारी जी आए उन्हें बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है हाँ अब वो अगर ये ऑर्डर किसी और फैक्ट्री में देते और उसे हायर करते तो उन्हें इतना मुनाफा भी नहीं होता तो मैंने ही उल्टा उनको आइडिया दिया कि आप ही खुद अपनी यूनिट और अपने फैक्ट्री क्यों नहीं डाल लेते और बाय ग्रेस ऑफ गॉड प्रेम चौधरी एज इन्वेस्टर भी मिल गया अभी मुझे मालूम चला चाय की दुकान पे जब उस दो कौड़ी के आदमी ने मुझे एक घटिया सा जॉब ऑफर किया दो कौड़ी का आदमी मतलब प्रेम जी नहीं तिवारी जी तिवारी जी ने तुम्हें तो जॉब ऑफर किया क्या क्या जॉब वर्कर का मजदूर का तुम्हारे कहने का मतलब है कि मजदूर का जॉब घटिया होता है यार कैसी बातें कर रहे हो अरे मजदूर अगर काम करना बंद कर दे तो देश में भुखमरी फैल जाए सरकार का तख्ता पलट हो जाए मजदूर में इतनी ताकत होती है पूरा एपिसोड देखिए पर।